नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस श्राप के कारण इंद्र के शरीर में बन गए थे 1000 आँखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर हमने पुरुषों के बारे में ही सुना है, चाहे रामायण की बात हो या फिर महाभारत काल की। पुरुष पात्र का गुणगान हमने किसी महायोद्धा या अवतार के रूप में ही सुना है, लेकिन इन पौराणिक कथाओं में से कई ऐसी महिलाएं पात्र थीं जिनकी भूमिका के वर्णन के बिना ये कथाएं अधूरी रह जाती हैं। ये महिलाएं ना सिर्फ इन कथाओं की पात्र बल्कि इनके जीवन के पीछे कई उद्देश्य छिपे थे, जो आज भी महिलाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इनमें से ही एक पात्र थी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। वैसे तो अहिल्या के बारे में रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम के पांव लगते ही वह पत्थर से इंसान बन गई थी, लेकिन वो पत्थर कैसे बनी, आज हम आपको ऐसे ही महिला के बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, रामायण की कई रोचक कथाओं का समावेश किया गया है, उनमें से एक है देवी अहिल्या उद्धार की कहानी, जो आज के समय से जोड़कर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास में भी बलात्कारियों को युगों युगों तक सजा का भुगतान करना पड़ा है, फिर वो देवता ही क्यों ना हो। माता अहिल्या, जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्री थी। भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या की उत्पत्ति उच्च गुणों के साथ की थी, लेकिन वो ऐसे गुणवान व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनके बाद अहिल्या की देखभाल कर सके। इसलिए उन्होंने महर्षि गौतम ऋषि को चुना, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान था। इसलिए उन्होंने महर्षि गौतम को अहिल्या के बड़े होने तक अपने साथ ले जाने के लिए कहा। जब अहिल्या बड़ी हुई थी तो महर्षि गौतम ऋषि अहिल्या को भगवान ब्रह्मा जी के पास छोड़ने के लिए गए। तब इस बात का निर्णय लिया गया कि अहिल्या की शादी किसी साधु से ही होगी। तब भगवान ब्रह्मा ने एक शर्त रखी, जो भी कोई सबसे पहले दुनिया का एक चक्कर लगाकर वापस आएगा तो उसकी शादी अहिल्या से करवा दी जाएगी। सभी देवता और ऋषिवर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल जाते हैं। तभी एक घटना घटती है कि अहिल्या गौतम ऋषि को कामधेनु गाय के प्रसव कराने में मदद करते हुए देखती है। वो उस गाय के प्रति उनका समर्पण और प्रेम देखकर उनसे शादी करने की इच्छा जताती है। इस तरह अहिल्या और गौतम ऋषि की शादी हो जाती है, लेकिन सभी ऋषिवर और देवता इस शादी से बुरी तरह जल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इंद्र देवता को अहिल्या बहुत पसंद थी। ब्रह्मा जी ने जब इस अहिल्या को बनाया था तभी से इंद्र अहिल्या के पीछे पागल थे, किंतु इंद्र देवता को यह स्त्री जब नहीं मिली तो उन्होंने अपनी काम वासना को शांत करने के लिए एक जाल रचा, लेकिन वह उसी जाल में खुद फंस गए थे। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्र देव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए, लेकिन गौतम ऋषि के होते यह संभव नहीं था। तब इंद्र और चंद्र देव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्म काल में गंगा स्नान करते थे, इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए थे और अर्धरात्रि को ब्रह्म काल समझ कर गंगा तट पर स्नान करने के लिए निकल पड़े। ब्रह्म ऋषि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम के वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। जब गौतम ऋषि गंगा घाट पर पहुंचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचाया हुआ माया जाल है। वो अपनी गलत नीयत लिए अहिल्या के साथ कुकृत की लालसा से पृथ्वी लोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटी की ओर लौट पड़े। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो
उसे श्राप दिया कि उस पर राहु की कुदृष्टि हमेशा ही बनी रहेगी और उस पर अपना कमंडल मारा। तब से ही चंद पर दाग है। उधर इंद्र को महर्षि के वापस आने का आभास हो गया, वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का श्राप दिया और इसी कारण उनके शरीर पर हजारों आंखें निकल आईं। साथ ही ये भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाएगा और ना ही उसकी पूजा होगी। और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आए तब अहिल्या को सत्य का ज्ञान हुआ, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी जिसमें अहिल्या की अधिक गलती ना थी। उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोध में थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का श्राप दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इस समय अहिल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस श्राप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर स्वयं दिव्य आत्मा के चरण की धूल स्पर्श होगी उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में पुनः लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमाचल चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। गलती न होने के कारण भी उन्होंने ऋषि का श्राप स्वीकार करके पूरे जीवन पत्थर बनकर गुजार दिया। गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण करते हुए प्रभु राम गौतम ऋषि के सुनसान पड़े आश्रम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें अहिल्या रूपी पत्थर दिखाई देता है। विश्वामित्र ने राम को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर राम ने अहिल्या का उद्धार किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।